फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास भी एक पीएफ अकाउंट नंबर है और आपके पीएफ अकाउंट में अभी तक क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर मैरिटल स्टेटस अपडेट नहीं है या फिर अपडेट है, गलत अपडेट है, उसको आपको चेंज करना है या फिर आपको पता ही नहीं है कि क्या अपडेट है, तो जी फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और अपडेट भी कर पाएंगे। सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप ये प्रोसेस नहीं करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। काफी लोग तो ई नॉमिनेशन नहीं हो पाते हैं, कुछ इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर आपने ई नॉमिनेशन कर रखा है और बाद में आपका जो भी स्टेटस है वो चेंज होता है, तो वो स्टेटस जरूर अपडेट करना होता है। अब फ्रेंड्स, यदि आप भी जाना वाला रहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले अपने यूनिफाइड पोर्टल पे हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपका प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसमें ही आपको नीचे की साइड आ जाना है, ध्यान देना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मैरिटल स्टेटस को आपको अपडेट करना जरूरी होता है, अगर इसे अपडेट नहीं करते तो नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे पीएफ में, आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको खास ये भी ध्यान रखना है कि अगर पहले आपका अनमेरिट था और उसके बाद से अब मेरिट करना है या फिर गलती से मेरिट हो चुका है, अभी तक आप अनमेरिट हो, तो आप यहीं से चेंज कर पाएंगे। प्रोसेस दोनों का ही सेम है। इसके लिए आपको करना है पेंसिल वाले आइकन में सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीज अपडेट कर सकते हैं, अपडेट नहीं है तो यहाँ पे तीनों चीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि या तो एक तो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अभी तो नॉट प्रोवाइडेड देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से मेरिटल स्टेटस, इनके केस में नॉट प्रोवाइडेड है लेकिन अभी हम प्रोवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद से ये एक अभिवादन का ऑप्शन होता है, ये अपडेट है, देखिए यहाँ पे अपडेट है, मिस्टर है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे चेंज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद से न्यू क्वालिफिकेशन क्या है आप अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे नॉन मेट्रिक, मेट्रिक, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे चेंज यहाँ पे आप देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड मेंटल स्टेटस, इसमें चेंज वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अभी नॉट प्रोवाइडेड है तो अब देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो भी है आपके केस में वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर्स, डिवोर्सी। देखिए यहाँ पे अगर आप पहले अनमैरिड थे और उसके बाद से अब आपकी शादी हो गई है तो सबसे पहले मैरिड सेलेक्ट कर लेना है यहीं से। जी फ्रेंड्स, अगर आपकी गलती से मैरिड अपडेट था और शादी नहीं हुई थी तो आप यहाँ पे अनमैरिड कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं आपको सेलेक्ट कर लेके दिखा देता हूँ, इसमें मैरिड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से अब यहाँ पे हमें गेट ऑथोराइजेशन पिन पे सेलेक्ट करना है। जी फ्रेंड्स, यहीं पे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद से आपके डिटेल्स सारे दिख जाएंगे, कन्फर्म डिटेल्स। अब यहाँ से कन्फर्म आपको करना है, पहले अवेलेबल जो डिटेल था वो नॉट अवेलेबल, नॉट प्रोवाइडेड था जो यूएन पोर्टल पे था, अब जो आप चेंज रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो ये है, आप इसको चेक कर लीजिए। भली बात ही, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी कुछ चेंज करना है तो नो करके आप दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं भैया हमें तो यही अपडेट कर देना है, तो अब आपको डू यू रियली वांट अपडेट, क्या आप सही में अपडेट करना चाहते हैं, तो भैया हाँ हम सही में अपडेट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से यस कर देंगे। अब उसके बाद से आपको अगर इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि न्यू क्वालिफिकेशन आपकी ये है, अब ये अपडेट हो जाएगा अपडेट करने के बाद, और न्यू मैरिटल स्टेटस आपका ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करते हैं और सेव कर देते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर लिया है, उसके बाद से सेव चेंजेस पे कर देंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे आप आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्रोफाइल डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुल यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे जो कि नॉट अवेलेबल करके आ रहा था, यहाँ पे अब आपका डिटेल्स देखने को मिल रहा है और यहाँ भी अपडेट हो चुका है। अब इसके लिए आपको कन्फर्म करने के लिए व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल था ना, वहाँ पे अब आपका एड हो चुका है। देखिए क्वालिफिकेशन भी आपने अभी अभी अपडेट किया है और मैरिड, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो कि नॉट अवेलेबल था अब यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखा। अगर पूरा वीडियो देखा है ना तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि ये क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर आपको मैरिटल स्टेटस कैसे चेंज या फिर अपडेट करना है या फिर कैसे आपको चेक करना है कि क्या अपडेटेड है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना
तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।